अलिपुरद्वार जिल्लाको भारत भुटान सीमावर्ती क्षेत्र जयगाउँ शहरमा आज 7 वर्षीय नाबालिगको निर्मम हत्या भएको छ। गत केही दिन अघि अपहरण भएकी नाबालिगको शव आज जयगाउँ पुलिसले भानुभक्त टोल दालदाबारी मैदानबाट सडेको अवस्थामा बरामद गरेको छ। स्थानीयहरूले नाबालिगको बलात्कार अनि हत्या भएको आरोप लगाएका छन्। तर पुलिसले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि मात्र घटनाको वास्तविकता पत्ता लाग्ने बताएका छन्। जयगाउँ पुलिसले दिएको जानकारी अनुसार केही दिन अघि सीसीटीभी फुटेजमा एकजना मातेको व्यक्तिले चाउमिन दिने बहानामा ती नाबालिगलाई हात समातेर लगेको दृश्य कैद भएको थियो। अनि आज उक्त मुख्य आरोपी बाबलु मियालाई नेपाल बोर्डरबाट पक्राउ गरेको पनि जानकारी दिएका छन्। यस घटनामा मुख्य आरोपी सँगसँगै अन्य दुईजना पनि शंकाको घेरामा रहेको अनि यस घटनाको छानबिन अझै भइरहेको पनि बताएका छन्। मिसिङ है तो तुरन्त थाने के तरफ से एक केस लॉज किया गया था और उसके बाद से सर्च प्रोसेस चालू किया गया था। ये सर्च प्रोसेस जो प्रोसेस हुआ था उसमें एक दिक्कत ये आया कि हम लोग जो एक्यूज का नाम था उस कंप्लेंट में उसको हम लोग तुरंत खोजना चालू किए, लेकिन वो जो एक्यूज है वो फ़ोन यूज़ नहीं करता है। इसके लिए हम लोगों को ये जो टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट मिलता है वो हम लोगों को नहीं मिला है। और उसके बाद से हम लोग बहुत जगह का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए है, बहुत जगह का इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए है, जैसे वो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हो, किशनगंज हो, रायगंज हो, कोचबिहार हो, ये एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि ये लड़की को लेके हो सकता है कोई ईटभाटा में गया है। तो हम लोग बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का यहाँ से टीम भेजे है और ये सर्च प्रोसेस चालू किया था। तो उसके बाद से हम लोग एक सीसीटीवी फुटेज में मिला है कि वो एक्यूज पर्सन बच्चे की हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। ये मिलने के बाद हम लोग उस रास्ते का सभी सीसीटीवी फुटेज देखे हैं, कुछ में मिला है, कुछ जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें नहीं मिला है। लेकिन उसके बाद हमारा जो सोर्स नेटवर्क है ये कंटिन्यू मतलब हम लोग एंगेज करके रखे थे, आईसी साहेब, हम लोग खुद जो सुपीरियर ऑफिसर है सभी मिलके एंगेज थे। और उसके बाद एक इंफॉर्मेशन मिला है कि वो बाहर भाग गया है। तो हमारा एक टीम था जो कि इन्फॉर्म किया था कि वो नेपाल में हो सकता है। उसके बाद नेपाल में आज सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग में एक इन्फॉर्मेशन आया कि नेपाल में वो पाया गया है। तो तब एक वीडियो बहुत मतलब चालाकी से एक खींचा गया था, उस वीडियो में हम लोग नोटिस किए कि वो बोले हैं हम ये बच्ची को उस दिन ले गए थे, मेरे साथ और दो लोग थे, और बाद में वो ये कॉन्फेस भी किए है कि बच्ची को मार दिया गया है उस वीडियो में। तो उसके तुरंत हम लोग वो जो बॉडी है वहाँ से रिकवर किए है और बॉडी पीएम के लिए भेजा गया है। और बाद बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है अभी चल रहा है। और ये जो एक्यूज्ड है हम लोग जो नेपाल बॉर्डर है वहाँ से आईओ सुबह सुबह यहाँ से रवाना हुआ और वहाँ से उसको अरेस्ट किया गया है। एक्यूज्ड का डिटेल्स तो जो एक्यूज्ड है उसका नाम है बाबलु मिया, उम्र है 50, उसका घर है गोवाबारी में। बाबलु उनका असल नाम है कि बाबलु मिया, बाकी हम लोग उसका जो आईडी कार्ड है उससे निकलेंगे। सर क्या बच्ची के साथ दुष्कर्म भी हुआ था? ये तो अभी हम बता नहीं सकते, ये पीएम के लिए गया है, कल पीएम होगा तो हम लोग डेफिनेटली पीएम रिपोर्ट में जो बोलेगा वही होगा। सर घटना को कब अंजाम दिया गया था? ये घटना तो जो अंजाम दिया गया है ये वही पीएम में ही क्लियर होगा, ये तो मतलब जो परफेक्ट डेट क्या है ये हम तो नहीं बता सकते। এটা হতে পারে সম্ভবত ওই সেদিন আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত যা ইনফরমেশন আছে যে অ্যাকিউজড বাবলু মিয়া উনি ড্রাঙ্ক ছিল, তো ড্রাঙ্কেন অবস্থায় বাচ্চাকে বলেছিল চাউমিন খেতে নিয়ে যাচ্ছে। তো ওই চাউমিন খেতে নিয়ে যাচ্ছে তখন যে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তখন সেই সিসিটিভি ফুটেজটা আমরা পেয়েছি, ওই উদ্দেশ্যে নিয়ে গেছে, নিয়ে গিয়ে কি করেছে এবং কোথায় নিয়ে গেছে
তো ও তো আমরা যেটা ডালডা বাড়ি আছে, ডালডা বাড়ির যেখান থেকে আমরা বডিটা উদ্ধার করেছি এই ইন বিটুইনই ঘটনা রয়েছে। इसके ऊपर जो पहले तो किडनैपिंग केस बना था, बाद में हम लोग सिक्स पॉक्सो भी ऐड किए हैं और मर्डर का सेक्शन भी ऐड किए हैं। सर आज